डिग्री. इन डिग्री वी चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑफ वन पर्सन, टू पर्सन, मोर देन टू पर्सन्स. डिग्री के अंदर हम चेंज करते हैं सेंटेंस की फॉर्म को उसके कंपैरिजन के अनुसार. यदि एक व्यक्ति से कंपैरिजन हो रहा है तो वह पॉजिटिव होगी, यदि दो व्यक्तियों से कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव, और दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव. पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम जनरली फोर टाइप से बना सकते हैं. फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल है राम इज एज गुड एज विजय. मीन इसमें पॉजिटिव डिग्री से आगे पीछे पहले रूल में एज और एज आता है. रूल नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट. इसके अंदर नॉट आने की वजह से पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे, आगे आएगा सो और पीछे आएगा एज. फॉर एग्जाम्पल, राम इज नॉट सो गुड एज विजय. रूल नंबर थर्ड, इसके अंदर शुरू में नॉट आएगा, मीन नॉट अदर या नो अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट. तो नो अदर पहले आ गया, नो अदर बॉयज आर सो गुड एज विजय. नाउ रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर में सबसे पहले वेरी फ्यू आएगा, सो वेरी फ्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज विजय. वेरी फ्यू आता है इसी वजह से पॉजिटिव डिग्री के आगे और पीछे एज एज आएगा, और निगेटिव सेंस आते के साथ ही पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे सो और एज आएगा. कंपैरेटिव, रूल नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट. एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री. एग्जांपल, राम इज बेटर देन विजय. जैसा कि रूल में है सब्जेक्ट, तो यहां सब्जेक्ट हो गया राम, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, कंपैरेटिव डिग्री गुड की हो गई बेटर, आफ्टर दैट देन, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट मीन विजय. राम इज बेटर देन विजय. रूल नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट. रूल नंबर टू के अंदर नॉट आ रहा है, सो एग्जाम्पल हो गया राम इज नॉट बेटर देन विजय. रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री के अंदर हमने देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर जोड़ा है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉयज. रूल नंबर फोर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है राम इज नॉट बेटर देन एनी अदर बॉयज. रूल नंबर फाइव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मीन राम, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब है तो इज, कंपैरेटिव डिग्री बेटर, फिर देन, फिर मोस्ट अदर बॉयज. तो एग्जाम्पल हो गया राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज. सुपरलेटिव, रूल नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू रूल एग्जाम्पल, राम इज द बेस्ट बॉय. पहले सब्जेक्ट है तो राम आ गया,
हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद है द, तो द सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट एंड ऑब्जेक्ट हो गया बॉय. सो राम इज द बेस्ट बॉय. रूल नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑब्जेक्ट, देन राम इज नॉट द बेस्ट बॉय. रूल नंबर थ्री, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लूरल में प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन क्लास. पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. पॉजिटिव सेंटेंस को कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए या सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए, इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे थ्री ट्रायंगल में डिवाइड करा है कि जो चेंजिंग होनी है वो कब होनी है और कैसे होनी है. तो ट्रायंगल नंबर वन के अकॉर्डिंग हमने इसे तीन कोनों पर तीन पॉइंट्स दिए हैं. पॉजिटिव, पी का मतलब, सी का मतलब कंपैरेटिव, एस का मतलब सुपरलेटिव. तो जब सेंटेंस पॉजिटिव में दिया हो, जिसकी पहचान यह है कि या तो एज आएगा या सो एज आएगा. जब सेंटेंस पॉजिटिव में और से कंपैरेटिव में बदलना हो, कंपैरेटिव की पहचान है देन, या कंपैरेटिव में दिया हो से पॉजिटिव में बदलना हो, सेम वे में पॉजिटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलना हो. इन मीन इज दैट कि पॉजिटिव में सेंटेंस है या उसे बदलना हो, यानी पॉजिटिव की उपस्थिति जरूरी है. जैसे ही पॉजिटिव की उपस्थिति होगी तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा. लेकिन जब पॉजिटिव नहीं है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलना हो, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाली चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज. इस ट्रायंगल को और बेटर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है, राम इज एज गुड एज विजय. अब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट रामे और ऑब्जेक्ट विजय है, तो कंपैरेटिव में रूल के अकॉर्डिंग चेंजिंग होगी. लेकिन हमें यहां यह देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है विजय वो सब्जेक्ट बन गया है कंपैरेटिव में, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया है राम. तो ये चेंजिंग होती है, मीन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, चाहे वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाए या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाए या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाए या सुपरलेटिव से पॉजिटिव. यानी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. लेकिन यदि सेंटेंस कंपैरेटिव हो तो सुपरलेटिव में बनाते समय, यानी कि सेंटेंस में पॉजिटिव ना हो, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा. ट्रायंगल थर्ड नंबर का, पॉजिटिव में नो अदर, तो कंपैरेटिव में देन प्लस एनी अदर, और सुपरलेटिव में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री. एग्जाम्पल, नो अदर बॉयज आर सो गुड एज विजय, यानी नो अदर आया है. यदि हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें देन प्लस एनी अदर जरूर आएगा. राम इज बेटर देन एनी अदर बॉयज. और यदि सुपरलेटिव बनाया जाएगा सेंटेंस, तो राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, यानी कि इसमें वन ऑफ द जरूर आएगा सुपरलेटिव में. ये रूल्स भी आपस में ही चेंज होते हैं.